हेलो फैमिली, आज हम लोग बात करेंगे स्लैशर मूवीज यानी वो सब मूवीज जहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा और ब्रूटल डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं, वो सब मूवी। ये सब मूवीज़ लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये सब मूवीज़ लोगों को गिल्टी प्लेजर देते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये सब मूवीज़ सारे 18 प्लस है, भर भर के एडल्ट सीन्स, सेक्सुअल कंटेंट और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग्स, मारने काटने के सीन्स भरपूर है इन सब मूवीज़ में। तो बच्चे और कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, टॉप 10 मोस्ट डिस्टर्बिंग मूवीज़। हमारी पहली मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। एक लड़की जो कि एक राइटर होती है, शहर से काफ़ी दूर एक घर भाड़े पे लेती है। वो अपना बुक फिनिश करना चाहती है। वहाँ पे उसके पड़ोसी आके उस पर हमला कर देते हैं और ब्रूटली उसका रेप कर देते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या वो लड़की मर जाती है या फिर अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वो वापस आती है, ये जानने के लिए आप देखिए। वैसे इस मूवी को 1978 में पहले भी रिलीज़ किया जा चुका है जो कि सेम स्टोरी लाइन के साथ है, बट वो मूवी भी इस मूवी से कुछ भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। नंबर 9th की हमारी मूवी वालहाला राइजिंग आपको ले चलती है 11th सेंचुरी की स्कैंडिनेविया में। ये स्टोरी पोर्ट्रे करती है वन आई नामक एक स्लेव के जर्नी के बारे में कि कैसे जो लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं वो उन सबको मार के वहां से निकल जाता है और फिर वो मिलता है एरिक से और शुरू करता है उसके आगे की जर्नी। मूवी में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और ब्रूटल एक्शन सीन्स और मारने काटने की यूनो स्लैशर सीन्स भरे पड़े हैं, तो अगर उस हिसाब से देखें तो मूवी फैंटास्टिक है। और इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है ना, मतलब ये जो थीम उन्होंने सिलेक्ट किया है, ओल्ड हिस्टोरिक थीम, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो अगर आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स या वाइकिंग्स के फैन हो तो भी इस मूवी को देखना आपका एक बार बनता है। हमारी नेक्स्ट मूवी आई थी 1980s में बट अभी भी आपको थ्रिल कर सकती है, इतने रियलिस्टिक सीन्स है इसमें। नंबर 8 की हमारी मूवी कैनिबल होलोकॉस्ट। अब कैनिबल शब्द का मतलब तो आपको पता है, एक ऐसा इंसान जो कि इंसान खाता है। अब ये वो टिपिकल मूवी नहीं है जहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाते हैं जंगल में और कुछ कैनिबल्स आके हमला कर देते हैं, जी नहीं, ये मूवी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं स्टडी करने एक ऐसे ट्राइब को जो ट्राइब अभी भी सालों साल पीछे चल रही है और अभी भी वो कैनिबलिज्म कर रही है। एक और बात बता दूं, इस मूवी में कुछ कुछ एनिमल टॉर्चर्स के भी सीन है, तो अगर आप उन सब मामलों में ज्यादा सेंसिटिव हो तो आप इस मूवी को अवॉइड कीजिएगा। अगली मूवी को आप स्लैशर के साथ साथ हॉरर और थ्रिलर मूवी के तौर पे भी देख सकते हैं, आपके सांसें रोक देगा, इतने सारे सस्पेंसफुल सीन्स है इस मूवी में। नंबर 7th की हमारी मूवी इनसाइड। एक प्रेग्नेंट औरत और उसके पीछे पड़ा है हाथ में कैंची लिया एक साइकोपैथ। बस आगे की मूवी गेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। मूवी की लेंथ आपको थोड़ी सी फील हो सकती है तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के ही देखिएगा। हमारी अगली मूवी की स्टोरी लाइन इतनी डिस्टर्बिंग है कि इस मूवी में ना डिस्टर्बिंग सीन्स की ज़रूरत ही नहीं थी। नंबर 6th की हमारी मूवी टास्क। एक पॉडकास्टर जो कि जाता है एक बूढ़े आदमी से मिलने, जो आदमी दावा करता है कि उसकी पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रही है और उसको पॉडकास्ट किया जा सकता है। अब तक तो मूवी सही चल रही थी बट अचानक हमारा पॉडकास्टर बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है वो देखता है कि उसके दोनों पैर गायब हैं। अब उसके दोनों पैर कहाँ गए और कौन है ये बूढ़ा आदमी, ये जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को टस्क। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है जिसमें 2-3 दिन शायद आपको नींद भी नहीं आएगी, तो इसको अपने रिस्क में ही देखिएगा। एक रियलिस्टिक और कंप्लीट स्टोरी लाइन के साथ हमारी नंबर 5th मूवी है मिडसमर। डैनी, एक लड़की जिसकी रिलेशनशिप ठीक ठाक नहीं जाती है, तो उन सब से उभरने के लिए वो अपने एक दूसरे दोस्त के साथ उसके कॉम्यून के कुछ लोगों से मिलने के लिए उसके गांव आते हैं। बट गांव में आने के बाद डैनी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि इस गांव में कुछ अजीब है, इन लोगों के तौर तरीके, इनके रिचुअल, सब कुछ अजीब है। तो क्या डैनी और उसके दोस्त इस गांव से निकल पाते हैं या वो लोग भी फंस जाएंगे इन लोगों के अजीब और डरावने रिचुअल्स के अंदर, जानने के लिए देखिए मूवी मिडसमर। अगली मूवी को मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ इसके बहुत ही ब्रूटल टॉर्चर सीन्स के लिए, तो अगर आप टॉर्चर्स ये सब देखने में गिल्टी प्लेजर फील करते हो तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। नंबर 4th की हॉस्टल। मूवी पोर्ट्रे करती है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को जो कि यूरोप घूमने आते हैं, उनको मिलता है एक आदमी जो कि सजेस्ट करता है कि उन लोगों को हॉस्टल नामक एक जगह में जाना चाहिए। बट हॉस्टल में जाके उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे ह्यूमन टॉर्चर जैसे दिल दहला देने वाले काम होते हैं। अब इस मूवी के और भी बहुत सारे पार्ट्स है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, बट ये जो मूवी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये सबसे बढ़िया है। नंबर 3rd की हमारी मूवी सेवलॉन भाई की रात है। ये मूवी विजुअली इतनी डिस्टर्बिंग थी कि
हमारी अगली मूवी अपने नस्ल का इकलौता है और आपने पहले ऐसी मूवी शायद ही कभी देखी होगी, बहुत ही ब्रूटल सीन्स के साथ हमारे नंबर 3 की मूवी अ सर्बियन फिल्म। एक पॉर्न स्टार, उसको एक अननोन सोर्स से बहुत सारे पैसों का ऑफर आता है एक पॉर्न शूट करने के लिए, बट पॉर्न की स्टोरी उसको समझाई नहीं जाती है। बट वो जब शूट करने जाता है तो धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ये कुछ नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये कुछ हटके है। अब क्या था उस पॉर्न इंडस्ट्री का राज और क्यों बुलाया गया था हमारे हीरो को वहां, जानने के लिए आप देखिए इस मूवी को। इस मूवी के कुछ सीन्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं और ये मूवी शायद आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, तो आपको सबटाइटल्स देखने पड़ेंगे। प्रॉपर डे लाइट में अगर कोई स्लैशर सीन दिखाया जाए तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। खैर, अगर आपको ये सब सीन्स गिल्टी प्लेजर देती है तो नंबर 2 की मूवी है आपके लिए, पेश है द ग्रीन इन्फर्नो। क्या होता है जब एक प्लेन क्रैश कर लेता है पेरू के किसी आइलैंड में और जो बचे कुचे लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं आइलैंड के आदिवासी, जो कि होते हैं नरभक्षी यानी कि कैनिबल्स। इस मूवी की स्टोरी भले ही कॉमन हो बट इतने ज्यादा टेंस्ड सीन और डिस्टर्बिंग सीन्स है ना कि स्लैशर फैंस के लिए तो ये मूवी एकदम मस्ट वॉच बन जाती है। नंबर 1 में आने वाली हमारी मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि जब इसको थिएटर में रिलीज़ किया गया था तो सब लोगों को एक वॉमिट करने वाला बैग भी दिया गया था। इतनी ज़्यादा वाहियात और घिनौनी स्टोरी लाइन के साथ द ह्यूमन सेंटीपीड 2। एक सेंटीपीड क्या होता है ये, और एक ह्यूमन सेंटीपीड क्या हो सकता है ये, और इसी टॉपिक के ऊपर बनी है हमारी ये मूवी। एबनॉर्मल सा आदमी जो कि बचपन से बुली होता आ रहा है, वो ह्यूमन सेंटीपीड की कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और उसको लगता है कि ह्यूमन सेंटीपीड बनाया जा सकता है, तो वो एक पुराने टॉयलेट में ले जाके लोगों को ह्यूमन सेंटीपीड बनाने की कोशिश करता है। ये मूवी कितनी डिस्टर्बिंग रही होगी कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था। और इस मूवी के और भी दो पार्ट्स है, ये दोनों पार्ट्स एकदम लाजवाब है। स्पेशली नंबर 3 तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बट नंबर 3 इतनी ज़्यादा वाहियात थी ना, मतलब स्लैशर से ज्यादा वाहियात थी, तो इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में नहीं रखा।